बैक टू अमृताज किचन। आम का मौसम है और साल का यही वक्त होता है जब हम आम से ढेर सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, जैसे कि आज हम बनाएंगे मैंगो मूज शॉर्ट्स। ये डेजर्ट हर एक पार्टी की जान बन सकती है, चुटकियों में बन जाती है और मुंह में घुल जाने वाली डेजर्ट है। आप चाहे तो मूज को कोई भी कटोरी या ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं पूरा महीना डिफरेंट मैंगो डेजर्ट रेसिपीज लाने वाली हूँ आपके लिए। तो अमृताज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मैंगो मूज बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक बर्तन में दूध लेनी है और इसमें चीनी भी डाल लेंगे, और फिर चीनी को दूध में घोलते हुए हमें इसमें एक बॉयल लानी है और दूध की क्वांटिटी 1/3 होने तक इसको पकानी है। देखिए अभी दूध बहुत गाढ़ी हो चुकी है और अगर आप एक स्पैचुला से ऐसे लकीर खींचेंगे तो दूध सेपरेट हो रही है, यानी हमारी होममेड कंडेंस्ड मिल्क तैयार है। अब इसे हमें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़नी है। अब हम आधा कप मीठा आम ले लेंगे। जी आपको अल्फोंसो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम जो है वो मीठी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मूज अच्छी नहीं बनेगी। फिर हम इसकी एक स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। एंड इट्स डन। अब हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम। मैं अभी व्हिपिंग क्रीम पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे इस रेसिपी के लिए आधा कप पाउडर चाहिए। इसे एक बड़ी सी बोल में निकाल लेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे बिल्कुल सेम क्वांटिटी की चिल्ड मिल्क। फिर इन्हें हमें बीटर से बीट करनी है। अगर आप व्हिपिंग क्रीम पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पाउडर और दूध दोनों ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो क्रीम जो है उसमें स्टिफ पिक्स नहीं बन पाएंगे, और इलेक्ट्रिक बीटर को आपको टॉप स्पीड में ही चलानी है। आवर व्हिप्ड क्रीम इज रेडी। अब इसमें हम अपनी आम डाल लेंगे। और फिर जाएगी कंडेंस्ड मिल्क भी। फिर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी मूज तैयार। मैं इसे एक छोटी सी पोर्शन इस कटोरी में निकाल रही हूँ। और ये जो बाकी की मूज है इसमें आप पीला या ऑरेंज कलर मिला सकते हैं। आप अपनी मूज को जो है पाइपिंग बैग में डाल के भी अपने जो है शॉर्ट्स में या फिर ग्लास में ले सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा चम्मच से उठा के भी डाल सकते हैं। अब मूज शॉर्ट्स बनाने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे कप्स या ग्लास चाहिए होंगे, जिसमें आप मूज को पोर करेंगे, ऊपर थोड़ी सी खाली रखेंगे। वैसे आप मूज को सिर्फ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद सर्व करेंगे तो मूज अच्छे से सेट हो जाएगी। आप चाहे तो नॉर्मल ग्लास में या कटोरी में भी मूज को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने जो बिना रंग वाली मूज कटोरी में सेव करके रखी थी ना, उसको इस कलर वाली मूज के ऊपर डाल के एक लेयर बना लेंगे। इसे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, इतनी बेहतरीन लुक आई है सर्विंग ग्लास की। अब हमें एक छोटी सी काम और करनी है। कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स लेनी है और इनको क्रश करके दरदरा सा पाउडर बना लेना है, और फिर इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें मिलाएंगे एक चम्मच पिघली हुई बटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो हमारे मूज शॉर्ट्स हैं, इनके ऊपर हम बिस्किट से एक पतली सी लेयर बना लेंगे। असल में मूज एकदम से मुंह में घुल जाती है, तो इस बिस्किट्स के साथ मूज को एक बैलेंस मिलेगी। हल्के से प्रेस कर देंगे ऊपर से और फाइनली ऊपर से कुछ मैंगो क्यूब से सजा देंगे। अब आप अपनी मैंगो मूज शॉर्ट्स को सर्व कर सकते हैं।
और ये जो ग्लास में मैंने मूज को सेट किया था इसके ऊपर कुछ बिस्किट्स की एक पतली लेयर बनाएंगे और ऊपर से कुछ आम के टुकड़ों से सजा देंगे। इससे ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और जब भी बनाएगा डाइजेस्टिव बिस्किट्स के क्रस्ट के साथ ही बनाएगा। ये कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग है और आप अपने मूज को हमेशा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, इससे मूज शेप को होल्ड करेगी। एंजॉय।